हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो है आपके बच्चों के लिए। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि बच्चों में फ्लैट हेड की प्रॉब्लम क्यों होती है एंड उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप दूसरे नए पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट डालते हैं शिफाय और अपने से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल मम्मा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लैट हेड होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि जब कुछ बच्चों का सर गोल होता है पर कुछ बच्चों का सर गोल नहीं होता है। तो गोल ना होने का रीजन क्या होता है कि बच्चे का सर कहीं से दब गया है, कहीं से चपटा हो गया है। आपने देखा होगा बहुत बच्चों का सर पीछे से बिल्कुल फ्लैट होता है, तो वो क्या होता है, बच्चे का सर दब जाता है। तो दब जाने की वजह से बच्चे का सर फ्लैट हो जाता है। इसी तरह से किसी बच्चे का सर आपने इधर से देखा होगा साइड से दब जाता है, किसी का किसी दूसरे साइड से दब जाता है, चपटा हो जाता है। तो कुछ चीजों की वजह से ऐसा होता है कि बच्चे का जो सर है वो फ्लैट हो जाता है एंड जो उसकी सर की शेप है वो खराब हो जाती है। इसको हम बोलते हैं फ्लैट हेड। हम बात करते हैं कि फ्लैट हेड की प्रॉब्लम बच्चों में डेवलप क्यों होती है। तो सबसे पहला रीजन है कि छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका जो स्कल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट होने की वजह से आप उसको जिस पोजीशन में रखेंगे, जिस तरह से रखेंगे, वो वैसी शेप ले लेता है। तो जनरली जो मेन रीजन है वो यही होता है कि बच्चों का स्कल बहुत सॉफ्ट होता है एंड बच्चे पूरा पूरा दिन लेटे रहते हैं। तो लेटे रहने की वजह से जब उनके सर हमेशा के लिए बेड पे लगा रहता है तो बच्चों में फ्लैट हेड की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। सेकेंड जो बहुत कॉमन रीजन है न्यूबॉर्न बेबीज में फ्लैट हेड होने का, वो है सेम पोजीशन में बच्चा लेटा रहता है। इनिशियली 2-3 महीने तक जो बच्चा होता है वो सेम पोजीशन में लेटा रहता है। तो जब वो एक ही पोजीशन में लेटा रहता है एंड वो सीधे बेड के कॉन्टेक्ट में होता है तो हार्ड सरफेस की वजह से क्या होता है, उसका सर गोल नहीं रहता एंड पीछे से फ्लैट हो जाता है। थर्ड नंबर पे अगर आपका बच्चा प्री मेच्योर है तो प्री मेच्योर बच्चे का जो हेड है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं उनका सर प्रॉपर गोल नहीं होता है एंड उनमें फ्लैट हेड की प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। एंड जो लास्ट रीजन है वो है नॉर्मल डिलीवरी। जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे आपके बच्चे के अगर सर पे कहीं से प्रेशर पड़ गया तो उसकी वजह से भी बहुत सारे छोटे बच्चों का, न्यूबॉर्न बेबीज का जो हेड है वो फ्लैट हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी है बच्चे में फ्लैट हेड को प्रिवेंट करने के लिए, बहुत जरूरी है आपको ये जानना कि छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज में जो स्कल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है एंड उसको हार्ड होने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके एक बार के एफर्ट से आप अपने बच्चे के फ्लैट हेड को रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर तक आपको अपने बच्चे के हेड को सपोर्ट करना है एंड कुछ ट्रिक्स यूज करनी है ताकि आप उसके हेड को फ्लैट होने से प्रिवेंट कर सके। तो मैंने शिवाय के लिए कुछ पिलोज यूज किए थे। जो पिलोज आप यूज करेंगे अपने बच्चे के लिए उसको आपको 1 साल तक यूज करना है ताकि आप अपने बच्चे के सर को फ्लैट होने से बचा सके। तो मैं आपको वो दोनों पिलो दिखाऊंगी। फर्स्ट पिलो है जो कि हेड सपोर्टर हम इसको बोलते हैं, ये न्यूबॉर्न बेबीज के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से जो सेकेंड पिलो है वो है मस्टर्ड सीड पिलो, जिसको हम बोलते हैं सरसों के दाने का तकिया। तो ये दोनों पिलो मैं आपको पहले दिखाऊंगी एंड बाद में मैं बात करूंगी कि ये दोनों पिलोज मैंने उसके लिए कैसे यूज किए। सो दिस इज द फर्स्ट पिलो जो हम शिवाय के लिए यूज करते थे व्हेन ही वाज न्यू बॉर्न। इस पिलो को बोलते हैं हेड एंड नेक सपोर्टर। तो मैं आपको ये दोनों तरफ से दिखा देती हूँ ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए कि किस तरह का ये पिलो दिखता है। एंड जो ये बीच वाला पोर्शन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पोर्शन में आपको अपने बच्चे को लिटाना है। दैट मीन्स उसका सर इस पोजिशन में आना चाहिए। जब आप अपने बच्चे को इस पर प्रॉपरली सुलाएंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चे का जो सर है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजिशन में होगा।
अगर मैं इस तकिए के स्टफ की बात करूं तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, आंट बच्चे को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बच्चे का हेड है वो इस बीच वाले पोर्शन में ही होना चाहिए। ये है सेकंड पिलो जो कि एक मस्टर्ड सीड पिलो है। आप जब भी अपने बच्चे को लिटाएं तो उसके सर के नीचे आपको मस्टर्ड सीड पिलो लगाना है ताकि उसके फ्लैट हेड को आप प्रिवेंट कर सके। जनरली आपने देखा होगा कि जब आप अपने बच्चे को किसी फ्लैट सरफेस पे लिटाते हैं तो उसका सर भी फ्लैट हो जाता है, बट मस्टर्ड सीड पिलो के साथ ऐसा नहीं है। जब आप अपने बच्चे को मस्टर्ड सीड पिलो के ऊपर लिटाएंगे तो ये पिलो आपके बच्चे के सर के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है एंड बच्चे के सर को गोल रखने में हेल्प करता है। तो आप अपने बच्चे के लिए ये मस्टर्ड सीड पिलो जरूर लीजिए। ये फ्लैट हेड प्रिवेंट करता है, बच्चे के सर को गोल रखता है। दिस इज अ होम मेड पिलो, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये तो थे वो दोनों पिलोज जो मैंने शिवाय के लिए यूज की। तो मैंने आपको जो फर्स्ट पिलो दिखाया है ये है हेड सपोर्ट पिलो जो कि न्यूबॉर्न बेबीज के लिए होता है। तो इसको हमने शुरू के कुछ दिनों के लिए ही शिवाय के लिए यूज किया था एंड उसके बाद हमने स्विच किया था सरसों के दाने वाले तकिए के ऊपर। एंड ये जो सरसों के दाने वाला तकिया जो मैंने आपको दिखाया है ये मैंने पूरे एक साल शिवाय के लिए यूज किया है। एंड ये होममेड पिलो है, ये मेरी दीदी के घर में प्रिपेयर होके आया था एंड पूरा साल यूज करने के बाद हमें इसके रिजल्ट दिखे हैं। तो बहुत जरूरी है आप अपने बच्चे के लिए मस्टर्ड सीड पिलो लें एंड बच्चे के सर को सपोर्ट करे ताकि वो जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम है वो उसमें डेवलप ना हो। सेकेंड जो बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों में फ्लैट हेड डेवलप ना हो वो है आप अपने बच्चे को कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा शोल्डर से सपोर्ट करने की, क्योंकि शुरू में 2-3 महीने बच्चा सिर्फ लेटा रहता है एंड जब बच्चा लेटा रहता है तो उसमें फ्लैट हेड की प्रॉब्लम डेवलप होना बहुत कॉमन है। तो आप क्या कीजिए, अपने बच्चे को शोल्डर के ऊपर सपोर्ट दीजिए। जैसे आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं तो फीड कराने के बाद आप अपने बच्चे को बर्थ दिलाने के लिए शोल्डर पे सपोर्ट दीजिए। तो जब आप शोल्डर से बच्चे को सपोर्ट देते हैं तो उनका जो सर है वो डायरेक्ट बेड के कॉन्टेक्ट में कम रहता है एंड बच्चों में एक तो बर्थ की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है। आप बच्चे को जो कॉलिक की प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है, आप बच्चे को प्रॉपरली बर्थ करा सकते हैं। इसी तरह से छोटे बच्चों में नेक कंट्रोल की पावर कम होती है, तो जब आप अपने बच्चे को शोल्डर के थ्रू सपोर्ट देते हैं तो बच्चों को नेक कंट्रोल आता है प्लस बच्चों में जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम है वो प्रिवेंट होती है। सेकेंड जो बहुत कॉमन वे है अपने बच्चे में फ्लैट हेड डेवलप ना हो, उसके लिए आप अपने बच्चे को जब भी आपका बच्चा सोता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक पोजीशन में ना सोए। जब बच्चा एक पोजीशन में सोता है, छोटे बच्चे बहुत लंबे समय के लिए सोते हैं एंड जब बच्चा एक ही पोजीशन में सोता रहेगा तो उसमें फ्लैट हेड की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है जिस पोजिशन में वो सो रहा है उस तरफ से। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे की थोड़ी थोड़ी देर में पोजीशन चेंज करें। थोड़ी थोड़ी देर का मतलब ये नहीं कि आप 5-5 मिनट में बच्चे की पोजीशन चेंज करें, बट आधे 1.5 घंटे के गैप पे आप अपने बच्चे की पोजीशन चेंज करें। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा एक ही तरफ सोने की कोशिश करते हैं, कभी वो इस करवट से सोते हैं कभी इस तरफ से सोते हैं, तो उस तरफ से जिस तरफ से बच्चा सो रहा है उस तरफ से बच्चे में फ्लैट हेड की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, उधर से बच्चे का जो हेड है वो चपटा हो जाता है। तो उसके लिए जब आप बच्चे की पोजीशन चेंज करते रहेंगे आधे आधे 1.5-1.5 घंटे के बाद, कभी आपने बच्चे को इस पोजीशन में लिटा दिया जब इस टाइम पे काफी टाइम हो गया इस तरह से पोजीशन में, तो आप दूसरी तरफ से लिटाइए तो बच्चों में जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम है वो डेवलप नहीं होती है। नेक्स्ट जो बेस्ट तरीका है बच्चों में फ्लैट हेड प्रिवेंट करने का वो है आप अपने बच्चे को टमी टाइम दीजिए। 2 और 3 मंथ्स के बीच में आप बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब बच्चे को आप टमी से सपोर्ट देते हैं तो वो अपने सर के बल कम लेता है, टमी टाइम लेता है, तो बच्चों में फ्लैट हेड की प्रिवेंशन होती है। नेक्स्ट जो कॉमन तरीका है बच्चों में फ्लैट हेड डेवलप होने का वो है क्योंकि आपके बच्चे जो है छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो बहुत देर तक फीड लेते हैं, कोई कोई बच्चा तो आधे आधे घंटे तक फीड लेता है। तो जब आप अपने बच्चे को इस पोजीशन में रख के दूध पिलाते हैं ब्रेस्ट फीड देते हैं तो आधे आधे घंटे तक अगर आप अपने बच्चे को एक ही ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड देंगे एक ही साइड पे रखेंगे तो क्या होता है बच्चों में फ्लैट हेड की प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो आपको
थोड़े थोड़े देर बाद, जैसे अगर आपको बच्चा आधा घंटा फीड ले रहा है तो 15 मिनट्स आप अपने बच्चे को इस साइड से ब्रेस्ट फीड कराइए एंड 15 मिनट के बाद अपने बच्चे को दूसरी साइड से फीड कराइए। तो क्या होता है, जब आप अपने बच्चे की साइड चेंज करते हैं ड्यूरिंग फीड तो बच्चे का सर आपके कॉन्टैक्ट में कम रहता है एंड बच्चों में जो फ्लैट हेड की प्रॉब्लम होती है वो प्रिवेंट होती है। एंड जो लास्ट तरीका है बच्चों में हेड फ्लैट हेड की प्रॉब्लम ठीक करने का, वो है बच्चों को हेड मसाज दीजिए। जब आप अपने बच्चे को हेड मसाज देते हैं बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं एंड हेड मसाज के थ्रू आप अपने बच्चे के फ्लैट हेड को ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों में बहुत जरूरी है छोटे बच्चों को आप हेड मसाज दीजिए। तो ये तो थी कुछ चीजें जिससे आप अपने बच्चे में फ्लैट हेड डेवलप ना हो उसके लिए प्रिवेंशन कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं एंड अगर फ्लैट हेड डेवलप हो गया है तो उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ, न्यू पेरेंट्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे मैं अपने एंड शिवाय से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी डेली बेसिस पे कुछ चीजें डालती रहती हूँ। तो आपको मजा आएगा वो चीजें देख के। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।